करियाल में हुए भूस्खलन की चपेट में आए सात परिवार जो कि बिल्कुल बेघर हो गए हैं, उनके राहत कार्य में निरंकारी मिशन के सेवा दल ने अपनी अहम भूमिका अदा कर रहा है। निरंकारी मंडल मंडी के क्षेत्रीय संचालक के ठाकुर ने बताया कि करीब सात परिवारों के लोगों के बेघर होने का समाचार आया था, जिसके लिए बिलासपुर क्षेत्र के घुमार में कुठेड़ा दुधोल आदि क्षेत्रों के सेवा दलों के करीब 90 सेवादारों को उस स्थान पर सेवा के लिए निर्देशित कर दिया गया है। हर किसी में परमात्मा का निवास है, हर गुर सिख को हमेशा हर जरूरत के समय व कुदरती आपदा में सहयोग व सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। निरंकारी मिशन की इसी शिक्षा को लेकर निरंकारी मिशन के सेवा दल के सदस्यों ने घुमारवी के बादेगढ़ के करियाल में हुए भूस्खलन के चपेट में आए सात परिवार जो कि बिल्कुल बेघर हो गए हैं, उनके राहत कार्य में निरंकारी मिशन के सेवा दल ने अपनी अहम भूमिका अदा की है। निरंकारी मंडल मंडी के क्षेत्रीय संचालक के ठाकुर ने बताया कि बीते दिनों घुमारवी के बादेगढ़ के नजदीक करियाल में भूस्खलन होने के करीब 2 किलोमीटर के क्षेत्र को काफी नुकसान हुआ है और करीब सात परिवारों के लोगों के बेघर होने का समाचार आया था, जिसके लिए बिलासपुर क्षेत्र के घुमारवी कुठेड़ा दुधोल कपाहड़ा निरंकारी ब्रांचों के सेवा दलों के करीब 90 सेवादारों को उस स्थान पर सेवा के लिए निर्देशित कर दिया, जिसके लिए निरंकारी मिशन के सेवादारों ने भरपूर योगदान देते हुए भूस्खलन वाली जगह पर जाकर राहत कार्य किया और जो लोगों के घर दबे हुए थे उनके अंदर से कुछ सामान भी बाहर निकाला। इस अवसर पर निरंकारी मिशन के जोनल इंचार्ज डॉक्टर आर के अभिलाषी ने कहा कि संत निरंकारी मिशन मानवता की सेवा को समर्पित है। जब भी देश के किसी हिस्से में कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो उसके बचाव कार्य करने की सेवा में जुट जाते हैं। संत निरंकारी मिशन के श्रद्धालु निरंकारी बाबा हरदेव सिंह महाराज और निरंकारी सदगुरु माता सुदीक्षा महाराज के संदेश की आंसू तुम्हारे हो या मेरे आंसू की परिभाषा एक ही है को लेकर निरंकारी सेवा दल के सदस्य और संगत सेवा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। इसी तरह ही पिछले दिनों में बारिश के कारण करियाल में हुए भूस्खलन के कारण बेघर हुए परिवारों की मदद के लिए स्थानीय निरंकारी सेवा दल और चैरिटेबल फाउंडेशन के सदस्यों की तरफ से दिन रात एक करके वहाँ के स्थानीय लोगों की सेवा करके सहायता कर रहे हैं। संत निरंकारी मिशन के जोनल इंचार्ज ने सात सांगत और मंडल की तरफ से 1,61,000 DC के माध्यम से करियाल पीड़ित लोगों के सहायता के लिए प्रदान किए। इस मौके पर स्थानीय अधिकारी ने बताया कि संत निरंकारी मिशन हमेशा ही समाज सेवा के कार्य के लिए तैयार रहता है। इसके अतिरिक्त नेपाल उत्तराखंड केरल में आई प्राकृतिक आपदाओं के समय निरंकारी श्रद्धालुओं ने पूरे तन मन व धन से सेवा में योगदान दिया था। कि बिलासपुर जिला के घुमारवी क्षेत्र में एक प्राकृतिक त्रासदी हुई, जिसमें कि पूरा का पूरा गांव इसमें भूस्खलन के चपेट में आ गया। तो हमें तुरंत पता चला, तो उसके तुरंत बाद दास ने क्षेत्रीय संचालक मंडी और यहां के संयोजक संत निरंकारी मंडल घुमारवी ब्रांच के संयोजक गोवर्धन शर्मा जी को और कुठेड़ा ब्रांच के मुखी सुरेश जी से संपर्क साधा और कहा कि तुरंत जाके जो भी इस दुर्घटना में जो पीड़ित लोग हैं उन लोगों की सहायता की जाए, क्योंकि हमारे सतगुरु का भी यही संदेश है कि मानव का हमेशा कल्याण करना है, मानव की सहायता करनी है। और इसी लड़ी में इन सब संतों ने बहुत सहयोग दिया, तन मन धन से सहयोग दिया। सेवा दल थे जो कि लगभग 90 जवान जो पहले दिन से ही यहाँ लगे डटे हुए हैं, आज भी यहाँ इसी प्रकार से सेवा कर रहे हैं। और आज डिप्टी कमिश्नर बिलासपुर और SDM घुमारवी भी यहाँ पर थे, उन्होंने भी कहा कि आपकी संत निरंकारी मंडल के नौजवानों ने बहुत अच्छा कार्य यहाँ के लोगों की सहायता के लिए किया और इसलिए आगे भी इसी प्रकार जारी रहेगा। मैं जोन इंचार्ज मंडी क्षेत्र डॉक्टर आर के अभिलाष। तो मंडल की तरफ से आप जो पीड़ित परिवार है उनकी मदद के लिए क्या कदम उठा रहे हैं? एक तो हम शारीरिक रूप से जो जितनी भी सहायता हो सकती है वो कर रहे हैं और आर्थिक तौर पर भी मंडल के जो अनुयायी हैं संत हैं उन्होंने कलेक्शन करके 1,61,000 रुपये का चेक भी डिप्टी कमिश्नर बिलासपुर और SDM घुमारवी को दिया गया है।